तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं गोवा से बात कर रहा हूँ अभी, और हम लोग जा रहे हैं कम्युनिटी राइड के लिए, 26 जनवरी, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड। तो मैं अभी 100% चार्ज पे हूँ, बैटरी दिख रही होगी आपको, और 99% चार्ज्ड एंड आई एम लीविंग राइट नाउ। हमें कम से कम आज 100 से 150 किलोमीटर चलानी की है बाइक। गाइज, अपनी राइड चालू होने वाली है अभी, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं अभी, या 6 पीपल राइट नाउ, 6 राइडर्स, और बाद में हमें रास्ते में बहुत सारे राइडर्स मिल जाएंगे, तो चलते हैं अपने राइड पे। से हाय टू हिम। हाय। सो अभी हम लोग जा रहे हैं राइड पे, तो 1 2 3 4 5 बाइक्स आ गए एंड वी आर स्टार्टिंग द राइड। अभी देखते हैं, और एक ओला वाला आ रहा है, देखो वाइट कलर। हाँ, सो विल बी गोइंग नाउ। तो गाइज, हम लोग जा रहे हैं अभी, ये देखिए मेरी बाइक अभी है 90% पे, 15 किलोमीटर चलाई है मेरे बाइक अभी, तो चलते हैं अपनी बाइक लेके अभी राइड पे। गाइज, ये देखो गाइज, बहुत ज़्यादा फॉगी है, 8:30 बज चुके हैं, और इको मोड पे गाड़ी चलाने के लिए इतना बेजा रहता है ना, क्या ही बोलूँ। अभी बैटरी स्टोर करने की है, तो इसलिए स्लो चलानी पड़ रही है बाइक, और देखते हैं अभी कितने दूर तक पहुँचते हैं, कभी पहुँचते हैं। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं वेरना में, इधर से 2 किलोमीटर अवे है अपना सर्विस सेंटर बाइक का, ओला का, विच इज़ विनोज ऑटो, और उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सेंटर विच इज़ इन आरलेम मारगांव। आपका नाम क्या है दोस्त? विजय। दोस्तों, ये है विजय, और ये काम करते हैं अपने ओला में एक्सपीरियंस सेंटर पे। किसी को भी बाइक खरीदनी की है गोवा में, तो काइंडली कम एंड मीट मिस्टर विजय, ही विल डू योर जॉब। गाइस, हम लोग एक्सपीरियंस सेंटर पे हैं गोवा में। तो गाइस, ये देखिए बहुत सारे राइडर्स हैं अभी, एंड वी आर गोइंग नाउ फॉर अ राइड। Many bikes are there, S1 is there, S1 Pros are there. Wait, dekho guys, wait, dekho. Guys, we have cutest couple over here. Hi. Inki nayi bike hai guys. रिसेंटली नई बाइक बाई की है इन लोगों ने। देखो गाइज, ये है अपनी गोवा की पब्लिक, पल्टन, ओला पल्टन। ओला पल्टन। गाइज, ये रहे हमारे ओला के राइडर्स, ये देखो गाइस, दिस इज, सो गाइस वी यूज्ड टू कम ओवर हियर बिफोर विद सुपर बाइक्स फॉर ड्रैग रेसिंग एंड ऑल, पर आज ओला लेके आए हैं। डेट 57% है मेरी बाइक अभी, और 79 किलोमीटर और चलेगी बाइक, तो देखते हैं रास्ते में हाइपर चार्जर मिलता है तो चार्ज करके देखते हैं। So
How was your experience at the world's largest EV ride? My experience was nice because this is one of the first EV ride. Basically, we used to ride motorcycles, and that was with exhaust and all. This is one of the silent EV ride we have ever done. तो दोस्तों, ओला की राइड अमेजिंग हुई यार, अमेजिंग। बहुत सारे राइडर्स थे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा के, बहुत मज़ा आया। अभी जा रहे हैं हम लोग हाइपर चार्जर पे, थोड़ा हाइपर चार्जिंग टेस्ट करते हैं और उसके बाद बाद में घर पे चले जाते हैं। गाइस, मैंने कभी ओला का हाइपर चार्जर यूज़ नहीं किया है। पिछली बार मैं गया था तभी वो एक्टिवेट नहीं था, बंद था। अभी पता नहीं चालू है कि नहीं है, देखते हैं। अभी जाके डायरेक्टली चार्ज करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो गाइस, ये है ओला का हाइपर चार्जर। तो अभी हम लोग चार्ज कर रहे हैं गाड़ी। तो गाइस, ये साइड का हाइपर चार्जर चालू नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है गाइस, और एक ही साइड का चालू है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आई विल यूज़ दैट वन और उसके बाद मैं गाड़ी को लगा के देखता हूँ। गोवा में ओला का हाइपर चार्जर ड्रॉप द प्लान बॉयज, इट्स नॉट वर्किंग। तो मेरी बाइक अभी 58 किलोमीटर रेंज बाकी है, तो हार्डली 18 किलोमीटर्स फॉर मी टू गो फ्रॉम हियर टू होम। आई एम गोइंग बैक होम नाउ। हम लोग हाइपर चार्जिंग के लिए गए थे ओला के, पर इट वॉज़ नॉट वर्किंग। सो मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन मारा एंड ही हैव प्रोवाइडेड मी टू चार्ज माई ओला ऑन देयर एथर ग्रिड, बट एथर ग्रिड ऑल्सो हैड सम इशू विद द QR कोड, सो दे हैव गिवन अस थ्री पिन सॉकेट फॉर चार्जिंग दिस ओलाज। तो ये देखो गाइस, ये गाड़ी अभी एथर के शोरूम में चार्ज हो रही है। ये है एथर का पावर, और ओला का हाइपर अभी भी नहीं चल रहा है गाइस, जस्ट इमेजिन। तो दिस इज व्हाट इट इज। मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा लो है गाइस, 29% है बैटरी, और मैं गाड़ी खींच रहा हूँ। आज का स्टेटस 23% बैटरी है, 111 किलोमीटर चली है, और मैंने हाइपर भी मारा है। सो 111 किलोमीटर्स हमने आज गाड़ी चलाई है, सिंगल चार्ज की है, कुछ चार्जिंग विजिंग नहीं की है। तो गाइस, मैं ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।